गृह मंत्री अमित शाह ने आज जबलपुर में कांग्रेस को खरी खरी सुनाई और साफ कहा, कांग्रेस वालों कान खोलकर सुन लो, जितना विरोध करना है करो, हम सारे लोगों को नागरिकता देकर ही दम लेंगे। भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है, उतना ही अधिकार पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का भी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में सीए पर भ्रम दूर करने के लिए रैली की, जहां उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस को दो टूक सुनाई। अमित शाह ने कहा कि आज सारे कांग्रेसी पूरे देश में सीए का विरोध कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी ने कहा था, राहुल गांधी आप महात्मा गांधी की भी नहीं सुनोगे, महात्मा गांधी को तो कब का आपने छोड़ दिया है। कांग्रेस वालों कान खोल कर सुन लो, जितना विरोध करना है करो, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर ही हम दम लेंगे। भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है, उतना ही अधिकार पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का है। वो भारत के बेटा बेटी हैं, वो हमारे भाई हैं। राहुल बाबा आप महात्मा गांधी को भी नहीं सुनोगे, छोड़ दो महात्मा को तो कब का आपने छोड़ दिया, गांधी जी को कब का छोड़ दिया, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कहा पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी और जो आने वाले हैं वो शरणार्थी के राहत पुनर्वसन और नागरिकता के लिए जो भी कुछ करना है वो करने के लिए हम तैयार। जो आज मैं बताना है, मैं यहां से चैलेंज देता हूं ममता बनर्जी और राहुल बाबा को, ये सिटीजनशिप एक्ट में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहीं पर भी किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान है तो बता दीजिए, इसमें कहीं पर भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का। मैं डंके की चोट पर आपके भरोसे पर कहता हूं कांग्रेस वालों कान खोल कर सुन लो, जितना विरोध करना है वो करो, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर ही हम दम लेंगे। अमित शाह ने कहा विपक्ष में बैठे लोग सीए को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। मैं यहां चैलेंज करना चाहता हूं राहुल गांधी और ममता बनर्जी को कि सीए में किसी की नागरिकता वापस लेने का प्रावधान नहीं लिखा गया है। आसपास के देशों में अल्पसंख्यकों का भारत स्वागत करेगा और उन्हें नागरिकता देगा। मैं आंख के अंधे और कान के बहरे कांग्रेस के नेताओं को यह पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत कम अल्पसंख्यक बचे हैं, जो पहले वहां थे वो कहां गए? पाकिस्तान में उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी वजह से वे भारत आना चाहते हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं यह किसी को नहीं दिखता। पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हमला हुआ। मैं विपक्षियों को कहना चाहता हूं कि देश की जनता की आवाज समझिए, वरना जितने बचे कुचे हो वो भी खत्म हो जाओगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।